मेरी जो फैंस है, मेरी जो ऑडियंस है, वो इस तरह के गाने चाहते हैं कि रिचा आप सुफियाना गाइए, सुफियाने गाइए। तो मैं उनके लिए एक, आज मेरा बर्थडे भी है तो आज के दिन रिटर्न गिफ्ट्स में मैं अपने सारे फैंस को, मेरे सारे लिसनर्स को ये गाना गिफ्ट के तौर पे दे रही हूँ। और इस गाने को सुन के मैं 100 नहीं 1000% कह सकती हूँ कि वो अक्सर कहते हैं आप गाती हो तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं तारीफ़ के लिए नहीं कह रही, क्योंकि ये अपने आप में गाना नुसरत साहब का गाना है और कव्वाली है। इसे मैंने और एक बहुत ही खूबसूरत नई आवाज़ है पृथ्वी गंधर, मैं अभी उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी, उन्होंने गाया है, उनको मैं बुलाऊंगी। पृथ्वी आ जाओ। तो ये सोलो फुल फ्लैज इस गाने से इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ इस तरह की आवाज़ें और आगे आएँ और इस तरह के गाने और निकलें, तो मैं बहुत खुश हूँ। आप सब लोग सपोर्ट कीजिए और लेट मी कॉल जोगी टीम, कितने लोग आ गए। दर्शन, इश्तियाक भाई, कम कम, इश्तियाक कम, अरे भाई हट जाओ थोड़ा। लेट मी इंट्रोड्यूस, अभी पूरी टीम नहीं है पर फिर भी हमारे रॉक स्टार, हमारे हिंदुस्तान के यंगेस्ट द रॉक स्टार ड्रमर, जिनके लिए लोग वेट करते हैं कि इनकी डेट मिले तो शो कर ले। सही है, बिल्कुल सही है। सो आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि इतने सुरीले हैंड्स इस गाने में हमारा साथ दिए हैं। सो बिग हैंड टू दर्शन। ये हैं हमारे छोटे से भाई इश्तिया खान जी, इन्होंने तबला ढोलक प्रकाशन प्ले किया है इसमें। तो ये टीम है, एक और है हमारे गिटारिस्ट संजय दास बापी दा, वो शायद अभी हमको ज्वाइन कर लेंगे, रास्ते में है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आज इसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं। आपसे एक सवाल करें। बिल्कुल, शी इज अमेजिंग। हाँ, ऑफ कोर्स। उसके साथ गाना आपके लिए कितना? ये मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू है, इनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बहन है, हमारे लिए भगवान है। और ऐसे आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करना, एक गाना गाना और ऐसा गाना गाना जिसमें गायकी के लिए बहुत स्कोप है, और उन्होंने ये मौका मुझे दिया है कि अच्छा गाना हम करें, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। आज सपने जैसा लग रहा है मुझे। और इसको रीअरेंज भी इसने और मैंने मिलके किया है, ड्रम का अरेंजमेंट सारा इनका है। एक्चुअली व्हेन रिचा जी एंड पृथ्वी केम टू द स्टूडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फेल्ट व्हेन आई हियर द सॉन्ग, आई हर्ड, मुझे एक्चुअली कोक स्टूडियो सीजन 1 की याद आ गई जब हमने साथ में काम किया था। और तभी काफ़ी सारे ऐसे हमने गाने किए थे जहाँ सूफी है और ड्रम्स का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी था, तो ये और एक चैलेंज था कि यू नो ये टाइम एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना, मेंटेन रख के यू नो, एब्सोल्युटली। सो हमारा पूरा यूथ तो इनके लिए दीवाना है। और ये हमारे जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इन्होंने पूरा रिदम इनका अरेंज है, इंडियन रिदम इनका अरेंजमेंट। मेरे भाई मुशाक भाई और मेरा, बातें बाद में करते हैं, हम अंदर जाते हैं। ओके, वापस बुला कर, थैंक यू सो मच। एक ग्रुप पिक्चर कर लेते हैं।